नमस्कार, राज पापा दी ढाबा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज। तो मैं आज आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने वाला हूँ और वो है केजन पोटैटो। अगर अभी तक आपने केजन पोटैटो नहीं खाया है तो इसको ज़रूर खाइए और बहुत ही सिंपल होता है बनाने में, बहुत ही टेस्टी होता है बनाने में। पर आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा की तरह मेरे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल राज पापा दी ढाबा पे जाके भी मुझे फॉलो करना, क्योंकि इससे आने वाले मेरे हर वीडियोस की और मेरे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पता चलते रहते हैं। तो चलिए बनाते हैं केजन पोटैटो राज पापा दा ढाबा स्टाइल में। सो देखिए, केजन पोटैटो के लिए क्या क्या चाहिए मैं सबसे पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने मायोनीज लिया है, ये करीब 70-80 ग्राम के आसपास मायोनीज होगा, मतलब मैंने 5 बड़े चम्मच टेबल स्पून का मायोनीज लिया है। और थोड़ा सा मैंने एक्चुअली, आपके पास अगर गार्लिक पाउडर है तो गार्लिक पाउडर डालना है आधा चम्मच, पर मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं था तो मैंने क्या किया, लहसुन को क्रश करके, मतलब 5 लहसुन को क्रश करके छोटे वाले इसमें डाल दिया है। और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया है, ये देखिए चिली फ्लेक्स लिया है 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च है। और ये मैंने आर्गेनो लिया है, ये करीब 1 चम्मच है। और ये चिली फ्लेक्स और आर्गेनो एक्चुअली हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते रहते हैं डोमिनोज से, और तो उसके साथ आता रहता है, बहुत बचा रहता है तो उसको यूज कर लेते हैं। आप भी अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली आपके घर में भी बहुत सारा ये बचता होगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आपने खरीद के रखा तो बात अलग है। और ये मैंने देखिए 1 नींबू का रस लिया है, इसका आधा रस यूज करूँगा, मतलब आधे नींबू का जूस यूज करूँगा। और ये मैंने 4 चम्मच कॉर्न फ्लोर लिया है, अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं तो आप मैदा भी ले सकते हैं। और 1/2 ऑनियंस को मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है, और चाहिए तो आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। और नमक चाहिए, तेल चाहिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए। और आपके पास अगर ऑनियन पाउडर है तो ऑनियन पाउडर भी आधा चम्मच इसमें डाल सकते हैं, पर मेरे पास ऑनियन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी चलेगा, इतना सामान से ही बन जाएगा। और इसके साथ साथ मेन इंग्रेडिएंट्स केजन पोटैटो का, पोटैटो वो तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। सो ये देखिए, मैंने छोटे साइज़ वाले पोटैटो लिए हैं, इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के लिए देखिए, बॉयल करने के लिए रख दिया है, ये जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो इसको निकाल लूँगा, इसको ठंडा होने दूँगा, उसके बाद हम बनाएंगे केजन पोटैटो। तो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसका मसाला तैयार कर लेता हूँ। तो एक मैंने कटोरी लिया है, उस कटोरी में इस मायोनीज को डाल देंगे और उसके बाद टोमेटो केचप को डाल लेंगे, चिली फ्लेक्स डाल लेंगे, आर्गिनो को डाल लेंगे, चिली पाउडर डाल लेंगे, नींबू का रस डाल देंगे, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहिए तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसको मिक्स करना। इसको मैं एक बार टेस्ट कर लूंगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा नमक चाहिए, टेस्ट करके देख लेंगे कि नमक कम है कि नहीं, अगर नमक कम लगता है तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा। बहुत अच्छा, तो मेरा मसाला बनके तैयार हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब पोटैटो को कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कलर भी इसका कितना नाइस आ रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा, उसमें क्या करना है। ये पोटैटो कैसे लेना है, इसके छिलके नहीं उतारने, इसको चम्मच देखिए ऐसे रख के हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से हल्का सा प्रेस कर दीजिए, जिससे ये गोल गोल ही रहे, फटने ना पाए। ये देखिए, इस तरह पोटैटो को
ऐसे करना है। जितना छोटे साइज के पोटैटो लेंगे उतना अच्छा बनेगा। अभी क्या करेंगे, इन पोटैटोज के ऊपर कॉर्नफ्लोर को डालेंगे, इससे क्रिस्पी होता है। एक्चुअली टूट जा रहा है तो कोई तो इसको संभाल के, अभी फ्राई हो जाएगा तो नहीं टूटेगा एक्चुअली, और इस पे जो कॉर्नफ्लोर जा रहा है इससे भी वो चिपक जाएगा, वो कुरकुरा भी होएगा। देखिए मैंने सब पे कॉर्न लगा दिया, अब मैं इसको फ्राई करूँगा, और फ्राई कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक तवा मतलब फ्राई पैन लिया है और उसको गर्म कर लिया, अब उस पर मैं डालूँगा तेल ढेर सारा। तेल को हल्का गर्म होने देंगे, अभी मेरा तेल गरम हो गया, अब इसमें एक एक करके मैं सारे पोटैटो को रखूंगा, फ्लेम को कम कर लूंगा। पोटैटोज को एक चम्मच की मदद से पलट देंगे, फ्लेम को तेज कर लेंगे। देखिए मेरा पोटैटो 50% फ्राई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, हर पोटैटो को थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हल्का सा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर हल्का सा। इसके बाद इसको एक बार और पलट दूंगा। देखिए अभी नीचे से ये देखिए एकदम ये हो रहा है ना क्रिस्पी सा, इसी से टेस्ट आएगा, इतना ही होना चाहिए, तो दोनों साइड से इतना करेंगे। ये देखिए साइड से भी हल्का नमक, हल्का सा ब्लैक पेपर। सो मेरा आलू फ्राई हो गया है, अब इसको प्लेटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने पोटैटोज को लगा लिया है, अभी क्या करेंगे, जो मैंने मसाला तैयार किया था उस मसाले को इसके ऊपर डालेंगे। देखिए ऐसे ऊपर से ये पोटैटो से ओवरफ्लो करना चाहिए, तभी मज़ा आता है। इस तरह आपको पोटैटो को एक्चुअली इसमें डिप करना है एक तरह से ऊपर से।
बाद क्या करना है, इसके ऊपर से जो मैंने बताया था ना अनियन का छोटा छोटा थोड़ा सा अनियन, तो ये मेरा केजन पोटैटो बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको अपनी फैमिली को टेस्ट कराऊंगा और आपको बताएंगे वो लोग कि कैसा बना है। सो अब मैं अपनी फैमिली को इस केजन पोटैटो को टेस्ट कराऊंगा और उनसे पूछूंगा कि कैसा बना है। पता है खुशबू से पता चल रहा है ना। ये लो अभी खा के तुम लोग बताओ। बाबी की नेशन में बहुत खाया, अब यहाँ देखते हैं। वाह, इसमें क्रंची क्या? मैं बहुत सारे खा सकती हूँ फॉर्शा। अच्छा है? हाँ। और इसमें ना जो चटनी और अपने टिक्की से और प्याज डाले हैं वो अच्छा। So, ये केजन पोटैटो बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बना। मैंने भी एक टेस्ट कर लिया था चुपके से। तो एक्चुअली खाना बनाने वाले को खाना सर्व करने से पहले टेस्ट जरूर करना चाहिए जिससे कि बाद में इज्जत ना खराब हो। सो बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी जाइए जल्दी से बनाइए और अगर आज तक कभी नहीं खाया है तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि अगर एक बार खा लिए तो मेरी गारंटी है रोज़ रोज़ आप मांगेंगे, इतना टेस्टी होता है ये। तो ये जाइए केजन पोटैटो को बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना। पर जाने से पहले क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना है और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन ज़रूर दबाना जिससे आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूँगा और एक शानदार जानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए।